इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और लाइट का मतलब क्या हो गया, डिसोसिएट। इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का आयंस के रूप में टूट जाना, उसी क्या बोलते, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, सोडियम क्लोराइड। जब हम लोग इसको वाटर मॉलिक्यूल में, सोडियम क्लोराइड को जब वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं, तब ये आयंस के रूप में टूट जाता है, क्या 100% टूट जाता है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यह हमारा क्या, इथेनॉल। इथेनॉल को जब वाटर में डिजोल्व की, इथेनॉल को जब वाटर में डिजोल्व की, तो इथेनॉल हमारा क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब सबस्टांस को वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व करते हैं, तब आयंस के रूप में नहीं टूटता है, तो यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे करंट का फ्लो होगा तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ बल्ब जल जाएगा। बोलता है एक सबस्टांस है जो क्या, इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। कब, जब उसको पानी में घुलाया जाता है, लेकिन कब, जब मोल्टेन स्टेट में, गला हुआ अवस्था में। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं और जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, वो सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हमारे क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। जब इसको जब इसको वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व करते, डाल देते और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते विद द हेल्प ऑफ बैटरी, बैटरी की मदद से, तो सोडियम Na प्लस मतलब सोडियम आयन के रूप में टूट जाता है, और क्लोरीड क्लोराइड आयन के रूप में। ये क्या है, एक्वस फेज। और सोडियम आयन क्या है, हमारा एक्वस फेज। बॉडी के फ्लूड में इलेक्ट्रोलाइट्स का उद्देश्य, तो हमारे बॉडी में सोडियम आयन पाया जाता है, क्लोरीन आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन। इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है नर्व से मसल्स को। ऐसे हमारा ब्लड का जो पीएच का जो वैल्यू वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, और हमारे बॉडी का जो फ्लूड्स है वो भी क्या रहता है, मेंटेन्स रहता है, इन सारे आयन की मदद से, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। ये हमारा इथेनॉल है, बोलते नो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब हो गया करंट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। बैटरी की मदद से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किए, लेकिन यहाँ करंट का प्रोडक्शन नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर में डिजोल्व किए, तो पोटेशियम क्लोराइड का कंडक्टिविटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और ये हमारा क्या, एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो क्या, बहुत ही कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या करने जा रहे हैं, परीक्षण। ये हमारा सी का वाटर, समुद्री जल, और इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 को ऐड कर रहे हैं। और जिसको एक्सेस कुछ ज़्यादा मात्रा में क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसमें डाला गया है, बाहर से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला गया है।
तो हम यहाँ पे वाइट पीपीटी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो, तो वाइट पीपीटी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म, मतलब सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे नीचे पर बैठ जाता है। तो इससे यही हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हमारा क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे इसको वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं तो अब कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयन्स के रूप में, वो हमारा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब एसिटिक एसिड और अमोनिया को वाटर मॉलिक्यूल में डाला जाता है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं आयन्स के रूप में, वही हमारा क्या हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको वाटर मॉलिक्यूल में डाला जा रहा शुगर एल्कोहल, लेकिन ये आयन्स के रूप में नहीं डिसोसिएट होते, ये हमारा क्या हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व करने पर ये 100% डिसोसिएट होता है, क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के रूप में क्या लेते हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और सॉल्ट के रूप में क्या लेते हैं सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको वाटर मॉलिक्यूल में डिजोल्व करने पर यह पार्शियली डिसोसिएट होता है आयन्स के रूप में, वही हमारा क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या है वीक एसिड, वीक एसिड हमारा क्या है बोरिक एसिड, और वीक बेस हमारे क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या, ये हमारा शुगर का मॉलिक्यूल जिसका फॉर्मूला क्या है C2OH20O11। जैसे इसको वाटर मॉलिक्यूल में डाला जाता है तो ये आयन्स के रूप में नहीं डिसोसिएट होता है, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का बहाव नहीं होता। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं तो अभी आयन्स के रूप में डिसोसिएट हो जाते हैं Na+ और Cl-N, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होता है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से कंडक्ट होता है।